हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आइए आज आप लोगों के साथ मैं मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक का अपना रूटीन शेयर करती हूँ। मैं सुबह से लेकर दोपहर तक क्या क्या करती हूँ आज आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, इस टाइम लगभग सुबह का 10 बज रहा होगा, बस आकाश में बादल छाए हुए हैं क्योंकि दोपहर के 12 बजे के बाद धूप निकला था, उसके पहले तक बादल छाए हुए था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा मॉर्निंग का शुरुआत कौवा को खाने देने से होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है और खाना देने में, और जब वो खाता है देखने में। देखिए दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को पहले के ब्लॉग में मैंने बताई थी कि मेरे जीजा जी ने मेरे लिए मूंगफली भिजवाए थे, जो देखिए आप लोगों के सामने मैं मूंगफली आज ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ। मूंगफली काला नमक के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए आप लोग भी आइए खाइए मूंगफली। और ये देखिए दोस्तों, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट मूंगफली खाकर, लंच में खाना खाकर, उसके बाद मैं अपने अंकल के यहाँ पे जाती हूँ। वहाँ पे भाभी, भैया, भतीजा सब कोई रहता है, क्योंकि आप लोग अगर मेरा स्टोरी सुनना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को अपना ज़िंदगी का कहानी ज़रूर बताऊंगी। मैं दोस्तों अपनी लाइफ में एकदम से पर्सनल से अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहता है, इसीलिए अपना दोपहर तक का काम निपटा कर उसके बाद भाभी के पास जाकर बैठती हूँ। ये देखिए आज आप लोगों के साथ गुलाब का पौधा कितना सारा फूलों से लगा हुआ है, ये आप लोगों का भी देख के मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा। एक ही पेड़ में देखिए दोस्तों, दो तीन कलर का रोज निकलता है, जो एकदम से सरप्राइज करने वाला बात है। मैंने भी इसके पहले इस तरह का गुलाब का पेड़ नहीं देखी है। देखिए एक गुलाब का पेड़ भी भैया लगाए हुए हैं, अंकल की तरफ लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर है, आसम है लाव का फूल। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये गुलाब का पौधा कैसा लगा। आप लोगों को कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। उसके बाद देखिए, मैंने आज मार्केट से सब्ज़ी मंगाई थी, जो आप लोगों को दिखा रही हूँ। पालक है, मूली है, टमाटर है, गोभी है। देखिए दोस्तों, इधर ही मैं जाकर दोपहर में बैठती हूँ भाभी के पास, यही मेरे अंकल का घर हुआ। थैंक यू दोस्तों।